नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर फोर मीडिया डॉट कॉम। झांसी पुलिस ने कमांडो की तर्ज पर स्पेशल क्यूआरटी टीम का गठन किया है। इस टीम में 19 जवान हैं, जिनका चयन स्क्रीनिंग के आधार पर किया गया है। कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी अप्रिय स्थिति या आतंकी घटनाओं से भी निपटने में यह टीम पूरी तरह सक्षम होगी और घटना पर चंद मिनटों में ही मौके पर पहुँचेगी। इन्हें आधुनिक हथियारों के साथ ही विशेष गाड़ी कम्युनिकेशन के साधन से लैस किया गया है। झांसी में इस टीम को पुलिस के अनुभवी अफसरों की निगरानी में तैयार किया गया और इन्हें अलग तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इनकी वर्दी भी अलग ढंग की तैयार कराई गई है। सीओ मऊरानीपुर मनीष सोनकर और थाना प्रभारी एरज को इस टीम को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है। झांसी रेंज के आईजी सुभाष सिंह बघेल ने बताया कि किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि की बात हो, उग्रवादी गतिविधि की बात हो या अति गंभीर शांति व्यवस्था से जुड़ी समस्या होने पर इस टीम को इस्तेमाल कर सकेंगे। हर रोज नए तरह के अपराध सामने आ रहे हैं और जहां हमें जरूरत पड़ेगी इसका उपयोग करेंगे। झांसी जनपद में जो है ये बिल्कुल प्रोफेशनल स्वाट टीम का गठन किया गया है और इस टीम को गठन करने में इनके पास 19 हमारे पुलिसकर्मी हैं वर्तमान में। इनको जो है एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की वर्दी, जो कि नॉर्मल जो हमारी पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों की वर्दी होती है उससे अलग इनकी है, पूरा वो गेयर है। और इसके साथ साथ इसमें ऐसे लड़कों का, ऐसे पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, क्योंकि स्वाट टीम का जो काम है बहुत ही द्रुत गति से, बहुत ही स्विफ्ट जो है कार्य होता है और उस समय मौके पर हमको क्या करना है ये बहुत कम समय में निर्णय लेना होता है। तीसरी बात जो विशेष रूप से एसएसपी ने इस टीम पर जो अपना ध्यान लगाया, इनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी उसको बढ़ाने के लिए इनके द्वारा एक पूरा सिस्टम बनाया गया जिसमें वेपन से लेकर के और जो भी हमारी फील्ड क्राफ्ट से लेकर के जो भी हमारी आवश्यकताएँ हैं उसकी हमारी क्या क्या प्रशिक्षण की का तरीका होगा, एक इसमें टीम में इन्होंने प्रशिक्षण टीम में सीओ मऊरानीपुर डिप्टी एसपी मनीष शंकर को रखा है, थाना प्रभारी एरएस को रखा है और भी बाकी लोग हैं, वो लगातार प्रशिक्षित करेंगे ताकि हमारा किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि की कोई बात हो या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी की कोई बात हो या इसके अलावा कोई अति गंभीर शांति व्यवस्था संबंधी समस्या हो तो हम इस टीम का जो है इस्तेमाल कर सकें। साथ साथ रूम इंटरवेंशन और आज के मौजूदा समय में आप देख रहे हैं सोसाइटी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो नित्य प्रति नए प्रकार के अपराध आते रहते हैं, तो जहाँ पर हमारी आवश्यकता होगी हम इस टीम को डिप्लॉय करेंगे। ये टीम फुल्ली, इसको ट्रेनिंग दी जा रही है, ये फुल्ली ट्रेन टीम है, प्रोफेशनल टीम है और इनके अंदर जो है बहुत ही कम समय में रिजल्ट्स देने का मादा है। तो हम जो है, मैं एसएसपी झांसी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छे दृष्टिकोण से, उद्देश्य से इस टीम की स्थापना की गई और जिस जो इन्होंने उद्देश्य उसका रखा है वो अवश्य पूरा होगा और मैं समझता हूँ कि इसका अनुसरण जो अन्य जो है जनपद भी करेंगे, वो भी अपने यहाँ इसका सृजन करेंगे। इसका कमांडिंग ऑफिसर कौन रहेगा? इसके कमांडिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स होंगे और सुपरविजन जो है डिप्टी एसपी इसका करेंगे जी। बाकी तो ये पूरी टीम पर जो है पूरी निगाह इनका, जैसे जितने भी हमारी परेड के डेज होते हैं तो उन सभी परेड पर इनकी मौजूदगी, इनका प्रशिक्षण उस निर्धारित अवधि के अनुसार चल रहा है कि नहीं, क्या प्रशिक्षण में हमें और हम क्या कर सकते हैं लोगों को बेटर बनाने के लिए, तो सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। ये एसएसपी झांसी के सीधे कमांड एंड कंट्रोल में काम करेगी, आपके द्वारा निर्देश रजिस्टर्ड ऑफिसर्स को दिए जाएंगे और इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स को और हम अपना एम जो है वो पूरा करेंगे।